वो सारी सड़कें धस गई जिन एयरपोर्ट का किया, चाहे दिल्ली का हो, चाहे रायपुर का हो, चाहे जबलपुर का हो, जिन जिन एयरपोर्ट का किया वो सारे गिर गए। अब एक ही बात कि जहां जहां इन देशों के पैर पड़े हैं वहां वहां बंटाधार होता जा रहा है। ये पहला धरना है जो शांति से है। इसके बाद मैं कहना चाहूंगा अध्यक्ष जी, जितने भी धरने हो ये शांतिपूर्वक धरनों से काम चलने वाला नहीं है। ये लातों के बोलते बातों से मानेंगे नहीं जब तक हम इनका घेराव नहीं करेंगे, जब तक इनके ऑफिस के अंदर जाकर इनसे पूछेंगे नहीं तब तक ये लोग काम करने वाले लोग नहीं है। मैं आपसे आह्वान करूंगा कि जब भी किसी साथी के साथ दिक्कत हो, जब भी सरकार कोई अत्याचार करना चाहे, सब लोग इकट्ठे खड़े होकर और इनको घेराव करने का हम लोगों को काम करना है। कि बस सही बात है, ये लातों के दूध बातों से नहीं मानते, इसका जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। और आपकी जिम्मेदारी है, हर कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है उसकी जिम्मेदारी है, चाहे वो गांव में रहता है, ढाणी में रहता है, चाहे शहरों में रहता है, आप सबों का जो इतिहास है, आप सबों के अंदर जो खून बहता है, जो आप सबों का डीएनए है, इस देश को आपने आजादी दिलाई है। हर व्यक्ति जो आज यहां कांग्रेस का बैठा है, दूर दराज से जो बैठा हुआ है, उसने इस देश को आजादी दिलाई है। गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए आपने लड़ाई लड़ी, एक बार फिर वो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आजादी की लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी और आप सब लोगों के ऊपर जनता विश्वास करती है। चाहे हमारे बहुत सारे साथी चुनाव में नहीं जीत के आए, हमारे ललित जी ने बहुत मजबूती से चुनाव, आप सबों ने मजबूती से चुनाव लड़ा, चाहे हम जीत नहीं पाए लेकिन जनता ने जो हमें विश्वास करा है और जो लाखों वोट दिया है उसका कर्ज हमें उतारना पड़ेगा। ये हमारी दायित्व है, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम नहीं दे पाते, इनको खुद को ही नहीं मालूम कि ये क्या बोल रहे हैं और क्या सुन रहे हैं। केंद्र के अंदर इतने बड़े बड़े मंत्री झूठ बोलते हैं सदन के अंदर, ये आज इनका माजना रह गया है। ये बात बिल्कुल सही है कि आज चुनाव हो जाए तो इनकी 20 से ज्यादा विधायक नहीं आने वाले। ये आज एक पूरे प्रदेश के अंदर और देश के अंदर एक माहौल बन चुका है।